जय श्री महाकाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप और गैंगस्टर काला राणा के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं कि दुर्लभ कश्यप, जिसका कि काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था, ठीक उसी तरह से काला राणा, जो कि कई तरीके का आपराधिक काम कर चुका था और आज के समय में उसके साथ क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको बता दूं कि काला राणा जो कि गलत गलत काम करने के लिए भारत छोड़ करके विदेश में शिफ्ट हो गया। आपको बता दूं कि काला राणा का सपना था कि वो खूब अमीर बने, लोग उसको जाने, लेकिन काला राणा इन सपनों को पूरा करने के लिए साल 2013 में ही अपराध जगत में कदम रख दिया। आपको बता दूं कि काला राणा जो कि अपना एक टीम बनाया और उस टीम के माध्यम से यह आपराधिक काम करना शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि बात है साल 2019 का, जब काला राणा ने अपना एक फर्जी पासपोर्ट बना करके ये इंडिया छोड़ करके थाईलैंड शिफ्ट हो गया और थाईलैंड में रह करके ये इंडिया में अपना गैंग चला रहा था। ये लोगों को धमकाता और उससे रुपया ले लेता, ये लोगों को कुछ से कुछ बोल करके उसके साथ कुछ भी कर देता, इसी तरह का ये काम करता था। लेकिन अंततः कहा जाता है कि दिल्ली एसटीएफ की टीम ने इसे गिरफ्तार कर ही लिया। दोस्तों आपको बता दूं कि काला राणा जिसका जिस तरह का सपना था, वो सपना तो भले उसका पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसने जो करना चाहा था बहुत हद तक उसने कर भी लिया था। लेकिन आपको बता दूं ना कि यदि आपका काम गलत है, आप जो चाहोगे वो कभी भी पूरा नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ क्षण के लिए सुख मिलेगा। आपको बता दूं कि काला राणा जो कि आज के समय में विदेश में रह रहा था, लेकिन बेचारा का सारा सपना चकनाचूर हो गया। और आपको बता दूं कि दुर्लभ कश्यप जिसका भी सपना बहुत बड़ा था, लेकिन दुर्लभ कश्यप का भी सपना कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया। वो कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गया और आज के समय में दुर्लभ कश्यप तो जीवित भी नहीं है। पर आपको बता दूं कि काला राणा जो कि आज के समय में जेल में हवा लगा रहा है। दोस्तों आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग आपराधिक काम करोगे तो आपको जिंदगी में कभी भी सुकून और चैन का नींद नहीं मिल पाएगा, आप कभी भी चैन से जी नहीं पाओगे। अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो, गलत लोगों से गलत सीख मत लो। मैं आपको जो कह रहा हूं आप वो चीज़ सीखो कि आपको अच्छा काम करना है, अच्छे लोगों से दोस्ती करना है। तो बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री महाकाल। मिलता हूं अगले नए वीडियो में।